इधर ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ का मामला, रमन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस के चरित्र पर मुझे आश्चर्य होता है, सीएम रहते हुए मोदी से ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की थी तो सोनिया राहुल को संबंध पर कांग्रेस आंदोलन कर रहे तो सीएम बघेल दिल्ली में आंदोलन में शामिल हो गए। रमन सिंह ने यह सवाल उठाया, तो सीएम रहते हुए मोदी से ईडी ने 9 घंटे की पूछताछ की थी तो रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। रमन जी, अभी क्या निकल कर सामने आया, क्योंकि ईडी की पूछताछ तो अभी भी जारी है, क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स, क्या कह रहे हैं और अभी कुछ बातें निकल कर सामने आई क्या? राहुल गांधी के साथ क्योंकि पहले दौर की बातचीत में करीब 3 घंटे से ज़्यादा ईडी की तरफ से पूछताछ हुई राहुल गांधी से, अब ये दूसरे दौर की बातचीत चल रही है, यानी कि लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी फिर पहुंचे हैं ईडी दफ्तर और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन अभी कुछ ही देर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ सलूक किया, बदसलूकी की गई है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस ने पूरी छावनी में तब्दील कर दिया और वेणुगोपाल जैसे सीनियर लीडर को जिस तरीके से बदसलूकी की, उसके अलावा यूथ कांग्रेस के कई नेताओं के साथ बदसलूकी की गई। इन तमाम मुद्दों को लेकर अशोक गहलोत, भूपेश बघेल आज कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही साथ जब राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ खत्म होगी उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि अगर राहुल गांधी मानते हैं तो राहुल गांधी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हो सकते हैं। बिल्कुल रमन जी, ये मानकर चलें कि आज सियासी हलचल जो राजधानी दिल्ली में देखने को मिली, उसकी जो हलचल है उसकी आवाज़ यहाँ पर दूर दूर तक सुनाई पड़ रही है और इसको लेकर जोरदार तरीके से सियासत हो रही है, आरोप लग रहे हैं, फिर प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को ईडी का नोटिस गया, ईडी से पूछताछ हुई, ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों से पूछताछ हुई। इसके अलावा शिवसेना के कई नेताओं से पूछताछ हुई और देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष के कई नेताओं से इस मामले में पूछताछ हुई, उनको नोटिस जारी हुआ और अभी ममता बनर्जी 15 तारीख को एक बैठक कर रही हैं। इस बैठक में एक मुद्दा ये भी रहेगा कि जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल सरकार विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए कर रही है, उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की नोटिस के बाद तो ये और भी सवाल उठ गया है कि उन तमाम नेताओं की लिस्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी नाम शामिल होगा और कांग्रेस पार्टी भी उन नेताओं के साथ मिलकर इसको एक नई रणनीति बनाएगी या आखिरकार हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।